नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, भाभी जी के होंठ तो देखिए, ससुराल बड़े रसीले हैं। भाभी जी, आप अपने होंठों में इतना रस लाती कहाँ से हैं? अरे थोड़ा हमें भी बताइए। अरे बताइए ना भाभी जी। चलो ठीक है, मत बताइए। भाई साहब, भाभी जी के तो हम वैसे भी लेके रहेंगे प्रॉपर्टी। घबराइए नहीं भाई साहब, अभी तो सिर्फ हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी तो मैं लेके ही रहूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो कमिटमेंट मैं करूं उसे पूरा भी करूं। हाँ, आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता हूं। भाभी जी के साथ मेरी खोपड़ी सटके उससे पहले हमारी बात गौर से सुनो। मुंबई के जितने सारे बिल्डर हैं वो सब हमको पैसा देते हैं। वो घर वालों को दे या ना दे, पड़ोसियों को दे या ना दे, मगर हमको जरूर देते हैं। तो भाई साहब, आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। कल शाम 5 बजे तक हमको हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए, वरना भाभी जी आपको जब हम देखते हैं तो हमारे दिल में कुछ कुछ होता है ना। ना भाई साहब, गलत मत समझिए। अरे पैसा क्या है? पैसा तो बस मोह माया है। पैसा क्या है, ये तो बस तकदीर का खेल है। आज हमारे पास, कल उसके पास। ठीक है भाई साहब, चलते हैं। याद रखना भाई साहब, कल शाम 5 बजे तक।